ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। कच्चे तेल की कीमतें घटने के बाद भी पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी के चलते सहारनपुर में आज कांग्रेसियों द्वारा जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां लगातार कच्चे तेल की कीमतों में कमी आ रही है, वहीं फिर भी पेट्रोल व डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी चल रही है। 17 जून से लेकर अब तक डीजल व पेट्रोल के दामों में दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। वहीं दिल्ली में भी पहली बार डीजल के दाम पेट्रोल के दामों से अधिक हो गए हैं। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने गाड़ी को रस्सी से बांधकर खींचा और तेल पर बढ़ती कीमतों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। इतना ही नहीं, उन्होंने हाथों तख्तियां ले रखी थी जिन पर पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध का स्लोगन लिखे हुए थे। जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी सहारनपुर मुजफ्फर अली ने बताया कि आज ये विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार को जगाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जहां हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया पिछले 3 महीनों से कोरोना महामारी से पीड़ित है, फिर भी केंद्र सरकार शर्म नहीं कर रही है और लगातार कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने के बाद भी पेट्रोल और डीजल के दामों में प्रतिदिन बढ़ोतरी की जा रही है। और मोदी ने एक इतिहास रच दिया है कि पहली बार दिल्ली में डीजल के दाम पेट्रोल के दामों से ज्यादा हो गए हैं। अगर केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करने का काम नहीं किया तो हम कांग्रेसी संविधान के दायरे में रहकर सड़कों पर उतरने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं चौधरी मुजफ्फर अली, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी सहारनपुर। आज हमने डीजल और पेट्रोल पर जो लगातार 17 दिन से वृद्धि हो रही है, उसके खिलाफ आज हमने प्रदर्शन किया और हम केंद्र सरकार की जगाना चाहते हैं कि आप पहले ही हिंदुस्तान और पूरी दुनिया और ख़ासकर हिंदुस्तान में लोग कोरोना की महामारी से 3 महीने से परेशान हैं, उसके बावजूद केंद्र सरकार अपनी शर्म नहीं कर रही है, लगातार रोज़ाना डीजल और पेट्रोल पर वृद्धि कर रही है। मोदी जी के एक इतिहास हिंदुस्तान में रच दिया है कि पहली बार डीजल का दाम पेट्रोल से महंगा हुआ है दिल्ली में। ऐसे हालात में आप क्या करना चाहते हैं? ये आम आदमी कैसे अपनी ज़िंदगी जिएगा? आप लगातार उस टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, कच्चा तेल आपको बहुत सस्ते दामों में मिल रहा है, उसके बावजूद भी आप कच्ची तेल की इतनी गिरी हुई कीमतों के बावजूद भी आप जो है लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। आज आपने किस प्रकार जो है विरोध प्रदर्शन किया? हमने सड़क पर गाड़ी को खींचकर, मोटरसाइकिल को पैदल चलकर प्रदर्शन किया है और हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि इसे जल्द से जल्द तुरंत इन बढ़ी हुई कीमतों को वापस ले, वरना कांग्रेस कार्यकर्ता संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में प्रदर्शन करने से, सड़कों पर उतरने से नहीं रुकेगा। राहत के नाम पे लोग। ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत।